हेलो, क्या रियलमी XT पहला स्मार्टफोन है जो ऑफिशियली मार्केट में 64 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आया है। भाई किसी और को मत बोल देना, मुझे तो बोल दिया तूने। ऑफिशियल लॉन्च का मतलब होता है जब फ़ोन आपका मार्केट में अवेलेबल होता है। डिस्ट्रीब्यूट करने को ऑफिशियल लॉन्च नहीं बोलते भाई। ऑफिशियल लॉन्च किया है शाओमी ने अपना नोट 8 प्रो विद 64 मेगापिक्सल कैमरा, और चाहे चाइना में ही किया लेकिन ऑफिशियल लॉन्च तो किया भाई। हाँ बताता हूँ उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में। अरे हाँ हाँ डिटेल में बताऊंगा सब कुछ। गेमिंग सेंट्रिक डिवाइस है, यस, बजट सेगमेंट में वो भी। हाँ हाँ चल वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है? ओके। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक महाजन, आप देख रहे हो जेनरिक टेकी। एंड आपने बिल्कुल सही सुना, शाओमी वर्ल्ड का पहला ऐसा ब्रांड बन गया है जिसने ऑफिशियली स्मार्टफोन लॉन्च किया है 64 मेगापिक्सल कैमरा के साथ। एंड ये जो रेडमी नोट 8 प्रो है ये एक कंप्लीट पैकेज है। अगर मैं इसको हर एक एस्पेक्ट से देखूं जो इसकी स्पेसिफिकेशंस निकल कर सामने आई है, तो उसी पैकेज की आज हम बात करेंगे। चाहे मैं कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूं, परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की बात करूं, चाहे डिज़ाइन की बात करूं, चाहे बैटरी की बात करूं, हर एक परस्पेक्टिव में इन्होंने यहाँ पर इस टाइम पर कोई स्कोप नहीं छोड़ा है कि मैं कहूँ कि आपको ये फ़ोन नहीं कंसिडर करना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ऐसी और वीडियोज़ फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसके डिज़ाइन के साथ। एज यू कैन सी इन द इमेज, बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन है। आपको तीन कलर सबसे पहले मिल जाएंगे इसमें, एक ग्रीन जो कि बहुत ज़्यादा रॉयल फील देगा आपको, एक वाइट, एंड वाइट का जो एक नई प्रथा शुरू की है शाओमी ने वो बहुत अच्छी है। एंड वाइट में आपने मी A3 भी देखा था, वो भी सुंदर लग रहा है। एंड फॉर श्योर रेडमी नोट 8 प्रो भी सुंदर लगेगा। और उसके बाद आपको ग्रे कलर जो ऑलमोस्ट ब्लैक की तरफ ही आपको देखने को लगेगा। एंड ये तीनों कलर्स तो अच्छे हैं ही, उसके बाद आपको क्वाड सेटअप मिलेगा कैमरा का रियर साइड पे विद फिंगरप्रिंट स्कैनर। यानी फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो आपको रियर डिज़ाइन पे दिया गया है, वो आपको इन डिस्प्ले नहीं मिलता। ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है, बट मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे डिस्प्ले पे मिले या रियर डिज़ाइन पे मिले मेरे लिए हार्डली मैटर करता है, क्योंकि डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देना थोड़ा स्लो मुझे लगता है, एंड रियर डिज़ाइन पे फिंगरप्रिंट सेंसर जो मिलता है वो मुझे थोड़ा फास्ट लगता है। बट हाँ ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड करता है। डिज़ाइन में फ्रंट और बैक दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। आपको 3D डिज़ाइन दिया गया है रियर साइड से, जहाँ पे आपका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा कर्व्ड है जिससे आपकी ग्रिप थोड़ी अच्छी बनेगी। लेकिन ये डिवाइस थोड़ा लार्जर इन साइज होने वाला है क्योंकि इसमें 6.53 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। एंड एस्पेक्ट रेशो आपको इसमें 19.5:9 की मिल जाएगी। यानी बेजल्स रिड्यूस किए गए हैं स्पेसिफिकली कंपैरिजन टू नोट 7 प्रो। चिन भी रिड्यूस की गई है, नॉच भी थोड़ी छोटी है, लेकिन नॉच का होना मुझे समझ नहीं आया। आप डिस्प्ले होल दे सकते थे इस टाइम, पॉपअप सेल्फी नहीं बट डिस्प्ले होल देते तो शायद हमें फुल स्क्रीन का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाता, बट नॉच ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ओवरऑल डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि बजट सेगमेंट में आने वाले डिवाइस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जितनी भी आपको इस फोन में मिलती हैं। बात करते हैं परफॉर्मेंस की। दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में मैं क्या ही बोलूं, शाओमी हर एक डिवाइस के साथ एक नया प्रोसेसर मार्केट में लॉन्च करता ही है। उसने 710 स्नैपड्रैगन का लॉन्च किया था Mi 8 SE के साथ, 636 लॉन्च किया था नोट 5 प्रो के साथ, 675 लॉन्च किया था नोट 7 प्रो के साथ, एंड उसके बाद 730 लाया रेडमी K20। एंड इस टाइम रेडमी नोट 8 प्रो के साथ वो लेके आया है मीडियाटेक का हीलियो G90T, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है। अगर मैं गेमिंग परस्पेक्टिव से उसको देखूँ तो अच्छा प्रोसेसर है, गेमिंग प्रोसेसर है, तो हीटिंग के चांसेस हैं डिवाइस में। सो शाओमी इन चीज़ में भी पीछे नहीं रह रहा, उसने आपको लिक्विड कूलिंग की टेक्नोलॉजी भी इस फोन में प्रोवाइड करवा दी। कहने का मतलब यह है कि गेमिंग परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा सोचा गया है इस फोन को डिज़ाइन करने के टाइम, एंड ये एक गेमिंग सेंट्रिक डिवाइस होगा फॉर श्योर। वेरियंट्स की बात करूँ तो आपको 6 और 8 GB रैम, जिसमें आपको 64 128 GB स्टोरेज वेरियंट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे चाइना में फिलहाल 4 और 64 वाला वेरियंट नहीं लॉन्च हुआ है, लेकिन देर आर चांसेस कि व्हेन दिस फोन गेट लॉन्च इन इंडिया आपको 4+64 GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाए। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो एक नंबर परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। जो गेमिंग के लिए फोन लेना चाहते हैं, अभी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा 1-2 महीना वेट कर लो, इंडिया में जल्दी ये फोन लॉन्च हो जाएगा। लेकिन आपको सुन के ये भी अच्छा लगेगा कि अगर आप गेमिंग खेलते समय हेडफोन जैक का यूज करते हो तो देयर इज 3.5 mm जैक, वो प्रेजेंट है, तो ये भी एक अच्छी बात है। आयर ब्लास्टर भी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। टाइप सी का आपको चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। बात करूं अगर बैटरी की, तो देर इज़ अ इंक्रीज इन बैटरी, आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो क्विक चार्ज 4.0 प्लस के सपोर्ट के साथ आती है। बट दुख की बात,
एज यूजुअल आउट ऑफ द बॉक्स आपको फास्ट चार्जर का जो एडेप्टर है वो नहीं देखने को मिलता, बट आई डोंट नो, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती है, आई डोंट नो व्हेन दिस एक्सपेक्टेशन विल बी फुलफिल्ड, बट हाँ इस टाइम भी आपको नहीं मिलता देखने को. द मेजर हाईलाइटेड एस्पेक्ट ऑफ दिस फोन विच इज द कैमरा. कैमरा की अगर बात करूं तो रियर साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें से प्राइमरी जो सेंसर है वो है 64 मेगापिक्सल का. कहने में 64 मेगापिक्सल, मतलब मुझे ये वैसे चीज़ें समझ नहीं आती, बट कहने में तो 64 मेगापिक्सल है. ऑब्वियसली 60 मेगापिक्सल का कैमरा ही होगा जो फर्दर प्रोसेसिंग करके आपकी इमेज को 64 मेगापिक्सल की बना रहा होगा, और ऑब्वियसली आपकी जो इमेजेस होंगी वो बड़े साइजेस की 15-20 एमबी की क्लिक होंगी. फिर से जो ये सेंसर है वो सैमसंग की तरफ से आने वाला आइसोसेल GW1 सेंसर है जो एक अच्छा सेंसर माना जाता है. एंड बाकी तीन कैमरास में आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाएगा और बाकी दो 2-2 मेगापिक्सल के एक डेप्थ सेंसर और सबसे लास्ट वाला मैक्रो सेंसर मिल जाएगा. अगेन हाईलाइटेड फीचर जो Realme 5 Pro में था वो आपको देखने को मिल जाएगा. सो Realme 5 Pro कह लो या Realme XT कह लो, दोनों को टक्कर देने की पूरी पूरी स्ट्रेंथ रखता है ये स्मार्टफोन. सो फ्रंट कैमरा की बात करूं तो आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा. बाकी अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 960 fps से स्लो मोशन की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा एंड आपको 4K का सपोर्ट तो मिलेगा ही. सो दोस्तों अगर मैं प्राइसिंग की अगर बात करूं तो चाइना में जो बेसिकली लॉन्च किए गए प्राइजेज हैं अलग अलग मॉडल्स के लिए वो ये हैं. 6+64GB वाला वेरियंट 14,000 रुपये में लॉन्च किया गया है. 6+128GB वाला वेरिएंट 16,000 रुपये में लॉन्च किया गया है एंड 8+128GB वाला वेरिएंट 18,000 में लॉन्च किया गया है. तो यहाँ अलग अलग वेरिएंट्स में ज़्यादा प्राइस गैप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये एक अच्छी बात है मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छा कंपटीशन लाने के लिए. तो अगर मैं कंक्लूजन में बात करूं तो अगर मैं डिज़ाइन के हिसाब से देखूं, परफॉर्मेंस के हिसाब से देखूं, कैमरा के हिसाब से देखूं, डिस्प्ले के हिसाब से देखूं, हर चीज़ के हिसाब से देखूं, बजट के हिसाब से परफेक्ट स्मार्टफोन ही आने वाला होगा. लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर वो होती तो ज़्यादा कंपटीशन होता मार्केट में तो फुल पैकेज बन जाता, वो फुल HD LCD पैनल की जगह अगर आप सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे देते तो और अच्छा होता. एंड हाँ अगेन अगर आप रियर साइड पे फिंगरप्रिंट देने से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे देते तो शायद और ज़्यादा अच्छा कॉम्पिटिशन लेके आ सकता था, बट नेवर माइंड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ स्पेसिफिकेशन से भी. एंड सबसे बड़ी बात, कैमरा मॉड्यूल को थोड़ा चेंज किया गया है, वो सेंटर अलाइंड मॉड्यूल दिया गया है जो ओवरऑल डिवाइस को बहुत ज़्यादा एनहेंस करता है लुक में मेरे हिसाब से. टाइप सी की कनेक्टिविटी है, एवरीथिंग इज परफेक्ट इन दिस फोन लुकिंग एट द मॉडर्न ट्रेंड, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज. सो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आई मेड दिस काइंड ऑफ वीडियोज डेली. अगर डेली नहीं बना सकूं तो ऑल्टरनेटिवली या जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जरूर बनाता. आप ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए एंड तो अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए बनाते रहेंगे. सो आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड आई विल से जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट.